नमस्कार, इंजॉय फूड एंड ट्रैवल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज हम बनाएंगे खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी। इसके लिए आपको चाहिए 500 से 600 ग्राम कद्दू मध्यम टुकड़ों में कटा हुआ, 1 कप टमाटर या 2 मध्यम टमाटर छोटे टुकड़ों में कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और तेल। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें। अब इसमें हींग, जीरा और सूखा धनिया मिला के इसको कुछ सेकंड के लिए भून लें। अब इसमें कटे हुए टमाटर भी मिला दें। टमाटरों को नरम होने तक भून लें, बीच बीच में टमाटरों को मिलाते रहें। टमाटर नरम हो जाएं तो इसमें हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार अच्छे से मिला दें और 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पे भून लें। टमाटर और मसाले भून जाएं तो इसमें हरी मिर्च और कद्दू को अच्छे से मिला दें। कद्दू को 4 से 5 मिनट मध्यम आंच पे भूनें। अब इसमें 2 कप पानी मिला के इसको उबलने के लिए रख दें। पानी उबलने लगे तो कढ़ाई पे ढक्कन लगा के कद्दू को नरम होने तक मध्यम आंच पे पकाएं। बीच बीच में इसको मिलाते रहें। कद्दू की सब्जी बनके तैयार है। कद्दू को पकाने में मुझे 15 मिनट मध्यम आंच पे लगे हैं। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लें। तो दोस्तों, हमारी पौष्टिक स्वादिष्ट खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बनके तैयार है। इसको गार्निश करें करी पत्ते या हरे धनिए के साथ। इसको आप पूरी या उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं। इस सब्जी को बनाना आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।